हेलो एंड वेलकम टू इजी कुकिंग इन बिजी लाइफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पटेटो सैंडविच, जो कि घर में इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट बना सकते हैं। तो आइए अब इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 3 बड़े पटेटोस बॉईल करके मैश कर लिया है, 3 फाइनली चॉप्ड अनियंस, 3 या 4 बारीक कटी हुई ग्रीन चिलीज, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स चॉप कर लिया है, सॉल्ट एंड शुगर टू टेस्ट, बटर और ब्रेड स्लाइसेस। तो आइए अब इसका फिलिंग हम तैयार कर लेते हैं। इसका फिलिंग बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच ऑयल हमने डाल दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें चॉप्ड अनियंस मिक्स कर देना है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि ये इवनली कुक हो जाए। अभी थोड़ा सॉल्ट में ऐड कर देती हूँ ताकि इसका कुकिंग टाइम थोड़ा जल्दी हो जाए। ग्रीन चिलीज मैंने ऐड कर दिया है। इसे हाई फ्लेम में लाइट ब्राउन होने तक कुक करना है। अभी हमारा अनियन में थोड़ा कलर आ चुका है, इसमें हम मैश्ड पोटैटोस डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह स्मैश करके कुक करना है। जितना हम मिक्स करेंगे उतना ही इसका टेस्ट उभर के आएगा। अभी फ्लेम को थोड़ा लो कर देते हैं ताकि हमारा अनियंस ओवर कुक ना हो जाए। अब सॉल्ट और शुगर मैं डाल देती हूँ और अच्छा से मिक्स कर देती हूँ। अभी इसमें चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स हमें ऐड कर देना है। इसमें कोरिएंडर लीव्स थोड़ा ज़्यादा ही देना है क्योंकि कोरिएंडर लीव्स का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। ये फिलिंग को हम 2-3 दिन के लिए प्रेप करके भी रख सकते हैं ताकि हमारा सैंडविच फटाफट हो जाए। तो ये हमारा फिलिंग तैयार हो चुका है। अब इसे ब्रेड स्लाइसेस में लगा के ग्रिल कर लेते हैं। इसके लिए हमें पहले ब्रेड उसमें स्प्रेड कर देना है और एक थिक लेयर फिलिंग हमें स्प्रेड कर देना है। और उसके ऊपर दूसरा स्लाइस लगा के हमें उसके ऊपर और थोड़ा बटर स्प्रेड करके प्री हीटेड ग्रिल जो है उसमें दे देना है। इसी तरह दूसरा सैंडविच भी तैयार करके प्री हीटेड ग्रिल में 1 मिनट तक होने देना है। अभी 1 मिनट हो चुका है। अभी हमारा तैयार हो चुका है सैंडविच। इसे आप मन चाहे सॉस या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकती है।